Deepa, it's such a pleasure and it's such a privilege having you with us. It's an honor to be here, and especially itna jo bahut acha ek initiative hai Swachh Bharat ka, kyunki hamare khel humko bahut bahar videshon mein leke jate hain. और दो ही चीज़ें हमारे देश को, मुझे लगता है, क्योंकि इतना खूबसूरत देश है, इसमें सब कुछ है. अगर हम स्विट्जरलैंड ढूंढने तो भी यहाँ है, अगर हम कोई देखें समुद्र ढूंढने तो यहाँ है, हम पहाड़ ढूंढने तो वहाँ है. सो इन अ वे हमारे पास सब कुछ है अपनी सीमाओं के अंदर. सिर्फ दो चीज़ों की फ़र्क मुझे महसूस होता है जब से मैं विदेश जाने लगी हूँ, खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने लगी हूँ. एक तो सफाई और एक एक्सेसिबिलिटी. दो चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है. और जो उदासीनता की बात ये है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं. हम टॉफ़ी भी खाते हैं तो उसका रैपर के लिए हम डस्टबिन ढूंढते हैं. कहीं ना कहीं डर होता है कि फाइन लग जाएगा, या हम कैमरे में आ गए तो कचरा फेंकते हुए दिखे तो उस देश का जो कानून है वो उस वहाँ जाके हम डिसिप्लिन हो जाते हैं. और मैंने कई बार देखा है जब वो टीम वापस इंडिया आती है, पहली चीज़ उतरते ही प्लेन से वो कुछ ना कुछ फेंकते हैं और कहते हैं अब लग रहा है हम भारत वापस आ गए. कि हम इसकी बहुत चर्चा की हमने. हाँ, मतलब आपके आने से पहले यही. हाँ, तो मुझे भी ये फ़र्क महसूस होता है. तो आई थिंक ये और सबसे ज़्यादा मुझे जो ये गंदगी जो फैली रहती है या जो कचरा फैला रहता है, आप जब चलते हैं तो आप टिप टो कर लेते हैं, आपको कुछ गिरा हुआ नज़र आता है तो आप इधर से उधर से निकल जाते हैं. लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जब व्हीलचेयर पे चलता है, आप मानेंगे नहीं, जब मैं कहीं से वापस आके घर जाती हूँ तो 10 मिनट मुझे पहले इसके पहिए साफ़ करने में लग जाते हैं. कोई एक पहिया बचाती हूँ तो दूसरा पहिया गंदगी में चला जाता है. तो और महसूस होता है कि हमारा देश साफ होना चाहिए और वाकई इसमें इनिशिएटिव होना चाहिए. बहुत अच्छी बात कही, बहुत अहम बातें कही हैं. एक्सेसिबिलिटी तो है ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पर तो वही वाली बात है जो आपने 10 गज की बात कही अमिताभ जी. उसमें मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा और ऐड करूँगी कि वो 10 गज स्वच्छ भी रखें और उस 10 गज में ये भी देखें कि हमारे जैसे व्यक्ति के लिए रैम्प है या एक्सेसिबिलिटी है. तो उसमें एक साथ दो काम हो जाएंगे, सफाई भी हो जाएगी और एक्सेसिबिलिटी भी हो जाएगी. हमने यहाँ पर, रैंप लगाया मैंने है देखा और उसके लिए तहे दिल से हम स्वयं उदाहरण बन रहे हैं आपके लिए. जी बिल्कुल. पर आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है. अपने घरों में, अपने दफ्तरों में हमें देखना चाहिए कि एक तो स्वच्छता वहाँ होनी चाहिए और दूसरी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. और आज जब मैं सुबह उठी तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक ऐसे शहर में उठी जो कि मैसूर में, मैं कल वहाँ थी. एक तो मेरे मेडल के लिए मुझे वहाँ पे सम्मानित भी किया गया और दशहरा का इनॉग्रेशन फंक्शन भी था चीफ मिनिस्टर साहब से कर्नाटका में. और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जान के लगी कि स्वच्छ भारत वाले दिन मैं एक ऐसे शहर में हूँ विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ज़ीरो ओपन डेफिकेशन टाउन. तो वहीं से मेरे आज के दिन की शुरुआत हुई स्वच्छ भारत की. तो आई थिंक हर गांव में, हर टाउन में अगर वो आ जाए तो एक वो भी जगह है जहां पे हम लोग स्वच्छता की तरफ गौर कर सकते हैं. हम एक दूसरे सिटी से प्रेरणा ले सकते हैं.